नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले के कद्दावर नेता सपा विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री नफीस अहमद, अतरौली विधायक संग्राम यादव सहित भारी संख्या में लोग शामिल रहे। सपा अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि यह मासिक बैठक थी, जिसमें विभिन्न विषयों पर हमने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची में नाम बढ़ाने सही करवाने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। पूर्व मंत्री और विधायक ने 18 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं से अपील किया कि अब सब लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा कर लोकतंत्र की पर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। साथ ही आपको बताते चलें कि इस बैठक के दौरान स्वर्गीय तहसीलदार पांडे की 9वीं पुण्यतिथि पर स्मृति समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें नेताओं ने इनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। ऐसे सुनाते हैं कि सपा अध्यक्ष हवलदार यादव ने क्या कुछ कहा। आज देखिए, पार्टी की जिले की मासिक बैठक जो होती है, वही बैठक आज संपन्न हुई है और उसमें विभिन्न विषयों पर हम लोगों ने निर्णय लिया है। 2022 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मतदाता पुनरीक्षण का और मतदाताओं को जागृत करने का, बूथ कमेटियों को सक्रिय करने का और जो पार्टी के कमियां जहां लोग बता रहे हैं कि मतदाता पुनरीक्षण के काम में गड़बड़ी है, उस संबंध में चर्चा किया गया। हम लोग उसकी नोटिस लेते हुए हम लोग फिर जिला अधिकारी से बात करेंगे। दूसरा हमारा कार्यक्रम था, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय तहसीलदार पांडे जी, जिनकी आज पुण्यतिथि थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, समाजसेवी थे और उनकी समाज में महती भूमिका थी और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करने के लिए सब लोग उसमें भाग लिए और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिए।